दोस्तों, क्या आप किसी को देखकर वो कितना मैच्योर है बता पाएंगे? किसी को देखकर जितना मैच्योर लगता है, क्या वास्तव में वो उतना ही मैच्योर होते हैं? आमतौर पर मैच्योरिटी को उम्र से जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की सिर्फ उम्र ही बढ़ती है, वो जितने मैच्योर दिखते हैं उतने मैच्योर्ड होते नहीं। तो किसी को देखकर कैसे पहचानेंगे वो वास्तव में मैच्योर्ड है या नहीं? इस वीडियो में हम 7 ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो आपको मैच्योर लोगों की पहचान करने में मदद करेंगे। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। मैच्योर लोगों को स्वयं के बारे में, अपनी ताकत और कमजोरियों और दूसरों पर उनके प्रभाव के बारे में गहरी समझ होती है। वो रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और वो इस सेल्फ अवेयरनेस का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने और कोई भी निर्णय लेने के लिए करते हैं। नंबर 2, दूसरों के प्रति सम्मान। मैच्योर लोग दूसरों के साथ सम्मान और आदर से पेश आते हैं, ओपिनियन, बैकग्राउंड और बिलीव्स की परवाह किए बिना। वे ध्यान से सुनते हैं, अन्य दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं और खुद को शांत, नॉन जजमेंटल तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 3, रेजिलियंस। मैच्योर लोग असफलताओं और चुनौतियों से बाउंस बैक करने में सक्षम होते हैं। वे अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए डिटरमाइंड और परसिस्टेंट होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इनका ध्यान बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्सर काफी समय और प्रयास लगता है। नंबर 4, सहानुभूति। मैच्योर लोग दूसरों की परेशानियां और संघर्ष को समझने की और महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भावना रखते हैं। जब किसी को जरूरत होती है तो वे तुरंत सहायता और मदद की पेशकश करते हैं और वे वास्तव में दूसरों की भलाई के बारे में परवाह करते हैं। नंबर 5, सेंस ऑफ ह्यूमर। मैच्योर लोग खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी ह्यूमर खोजने में सक्षम होते हैं। वे ह्यूमर का इस्तेमाल दूसरों से जुड़ने, अपने आसपास तनाव मुक्त और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए करते हैं। नंबर 6, एक्टिव लिसनिंग। मैच्योर लोग कुशल श्रोता होते हैं और वे दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। वे विचारशील प्रश्न पूछते हैं और जब दूसरे बोल रहे होते हैं तो वे धैर्यवान और अटेंटिव होकर उसे सुनते हैं। नंबर 7, कंट्रोल ओवर इमोशंस। मैच्योर लोगों की पसंद उनकी फीलिंग्स के बजाय उनके कैरेक्टर पर आधारित होती है। इनका कैरेक्टर इनकी इमोशंस को नियंत्रित करता है, इसीलिए कोई भी स्थिति का आकलन और मूल्यांकन करने में इनको थोड़ा समय लगता है। ये अपना जीवन कुछ मोरल वैल्यूज पर जीते हैं। यह ऐसे वैल्यूज होते हैं जो इनके नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने मैच्योर हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलना।